एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं नगरी प्रशासन मंत्री श्री जयवर्धन सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ कि अपना उद्बोधन दें श्री जयवर्धन सिंह। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बोलो राम चंद्र भगवान की, बोलो नर्मदा मैया की। आज हमारे यहाँ पिपलिया कुर्मी में पधारे हम सबके नेता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे क्षेत्र के नेता और हमारे लोकप्रिय ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी आमला भाई जी, आप सबकी हम सबकी राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती मोना सुस्तानी जी, हमारे सबसे वरिष्ठ आदरणीय गुलाब सिंह सुस्तानी जी, हमारे आदरणीय श्याम तेजा जी जनपद अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी और सभी हमारे मंच पे उपस्थित हमारे सभी नेतागण और हमारे आज पिपलिया कुलमी और आसपास से पधारे हमारे सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ कि जिस प्रकार से आप सबके आशीर्वाद से आज प्रेमर सिंह जी मंत्री हैं, आप सबके लोकप्रिय विधायक हैं, उसी प्रकार से 12 तारीख को एक तरफा वोट हाथ के पंजे को मिले, मोना भाभी को मिले, 50 साल बाद पहली बार दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ से नहीं लड़ रहे, वो इस बार लड़ रहे हैं भोपाल से चुनाव। वो कितना बड़ा चुनाव है आप सब देख रहे होंगे, प्रतिदिन टीवी पर अखबारों में उस चुनाव के बारे में चर्चा होती है और इस बार चाहे भोपाल हो चाहे राजगढ़ लोकसभा हो, ये दोनों चुनाव हम एक साथ ही लड़ रहे हैं और इसलिए आप सबकी विशेष भूमिका 12 तारीख को रहेगी। आप सब से मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आप सबके आशीर्वाद से 15 साल बाद मध्य प्रदेश में बनी है और सिर्फ 3 महीने में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 25 लाख से अधिक किसानों का कर्ज माफ किया है। कुछ भाजपा के लोग भ्रमित करने का प्रयास करेंगे लेकिन हम सब दावे के साथ कह सकते हैं कि वर्तमान में जो ऐसे किसान हैं जिनके खाते सहकारी बैंक में थे, जिनका कर्जा 50,000 तक था, उनके खातों में पैसे आ चुके हैं और जो ऐसे किसान हैं जिनने सफेद फॉर्म भरा है, जिनने हरा फॉर्म भरा है, जिनने गुलाबी फॉर्म भरा है और जिनका कर्जा 2 लाख तक का था या उसी ऊपर था और जिनके खातों में अभी पैसा नहीं आया है, चाहे आपके खाते स्टेट बैंक के हो, बैंक ऑफ इंडिया के हो, चाहे केसीसी बैंक ऑफ बड़ौदा का हो या फिर ग्रामीण बैंक का हो, मैं यहाँ पर प्रभारी मंत्री के रूप में आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आपका एक एक रुपए चुनाव के बाद 12 तारीख के बाद आपके खाते में आएगा। आपने अखबार में पढ़ा होगा, अखबार में इस बात का उल्लेख किया गया है, चुनाव आयोग ने ये आदेश दे दिए हैं कि जहां जहां पर चुनाव खत्म हो रहा है वहां पर कर्ज माफी के पैसे का भुगतान चालू हो रहा है। इसके साथ साथ जैसे नारायण सिंह जी ने कहा, अभी 5 पंचायतें आरक्षित हो गई है गौशाला के लिए जहां पर 30 लाख रुपए मिल रहे हैं और साथ में सिर्फ 3 महीने में हमारे ऊर्जा मंत्री ने सभी किसान के बिजली के बिल आधे कर दिए हैं, 100 रुपए में 100 यूनिट। और सबसे विशेषकर जब बारिश के बाद समय सीजन का आएगा, जब हर किसान अस्थाई कनेक्शन मांगेगा, जो पहले बिल भरने पड़ते थे 5 HP के, 7 HP के, 10 HP के, इस बार सिर्फ आधे बिल भरने पड़ेंगे। मूल बात यह है कि 5 साल पहले भाजपा के लोग जोर जोर से बात करते थे अच्छे दिन के बारे में, अब उनके 5 साल बीत गए हैं, नए चुनाव आ गए हैं, क्या कोई भी भाजपा का व्यक्ति अच्छे दिन के बारे में बात कर रहा है? सब भूल गए
अब आ गए चौकीदारी पे, और जब वो ये सब अनाप शराब बातें करते हैं उनको जरूर कहना कि जिन लोगों के खून में कांग्रेस है हमको राष्ट्रवाद के बारे में भाजपा से कोई पाठ की जरूरत नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी है जिसने अंग्रेजों को इस देश से भगाया था, और ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनने 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। तो हमको किसी से राष्ट्रवाद के बारे में कोई पाठ नहीं चाहिए। आप सबसे मेरी यही बात प्रार्थना है, 12 तारीख को शादी ब्याह बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे पहले सुबह 7 बजे के बाद ही मतदान केंद्र पर आप सबसे मेरी प्रार्थना है, मतदान केंद्र पर जाके आप सबका पूरा आशीर्वाद हाथ के पंजे को दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दीजिए, बोडा सुस्ताने को दीजिए, और इस पूरे परिवार को दीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से आपकी सेवा कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी जयवर्धन सिंह जी के उद्बोधन के पश्चात जोरदार तालियों के साथ हमारी लोकसभा प्रत्याशी श्रीमती मोना जी सुस्ताने से अनुरोध करूंगा तो उद्बोधन दे, जोरदार ताली एक बार मोना जी के नाम। बोले भारत माता की, श्री रामचंद्र भगवान की। हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक हर समय उनके हमारे लिए दरवाजे खुले रहते हैं। आदरणीय ऐसे परम सम्मानीय श्रद्धेय राजा साहब, परम सम्मानीय हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी साहब, परम सम्मानीय हमारे आदरणीय बाबा साहब प्रभारी मंत्री जी, परम आदरणीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी आमलावे साहब, आदरणीय पूर्व विधायक राम प्रसाद जी दांगी साहब, आदरणीय मंडी अध्यक्ष फूल सिंह जी गुजर साहब, जनपद के अध्यक्ष भाई बड़े भाई प्रकाश रोहित जी, हमारे वरिष्ठ सिंह का नेता श्याम तेजरा जी, और यहाँ पे विराजमान हमारे सबके आदरणीय बाबूजी सुस्तानी जी, और यहाँ पे विराजमान डंडा बाबा जी जो पचौड़ से यहाँ पे आशीर्वाद देने के लिए हम सबके बीच में आए हैं, परम सम्मानित मंच। यहाँ पे विराजमान सभी नारी शक्ति, और यहाँ पे सभी बुजुर्ग, सभी बुजुर्गों का, बड़ों का, मैं बड़े हृदय से आप सभी का चरण वंदन करती हूँ। आपकी बहू हूँ, आपकी बेटी हूँ, यहाँ पे आए हुए सभी युवा साथी वर्ग, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को एक निवेदन करना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राजा साहब ने मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ईमानदारी की बात यह है कि प्रत्याशी मैं नहीं हूँ, मैं तो मात्र आपकी बहू हूँ, एक मुखौटा हूँ जो आप सबके सामने बीच में हूँ। काम करना है आदरणीय राजा साहब को, आदरणीय बाबा साहब को, आदरणीय दरबार को, आदरणीय आमलावे साहब को, सभी लोगों को। ये आप खुद देखते सुनते आ रहे हैं 15 साल की सरकार में हमारी महिलाओं की स्थिति क्या रही। 15 वर्षों में घरेलू हिंसा, बलात्कार, आए दिन हम देखते आ रहे हैं कि नारियों का किस तरह से शोषण होता आ रहा है, और मामा जी है कि समझ नहीं रहे थे, लेकिन आदरणीय राजा साहब ने यत्र नारी पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता इस बात को चरितार्थ किया कि आधी महिलाएं हैं, आधी आबादी महिलाओं की है, सिर्फ कहते हैं, उन्होंने ये टिकट अपन सब महिलाओं को दिया, अपन सिर्फ महिलाओं के लिए ये सम्मान दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि आप पुरुष वर्ग को तो हम हमेशा से ही साथ देते आ रहे हैं, अब पहली बार ऐसा मौका आया है कि आपके घर की बहू बेटी को भी आप दिल से सम्मान करें जैसा कि हम आपको सम्मान देते आए हैं। यहाँ पे विराजमान माता बहनों से मैं निवेदन करूंगी, अपन सबके पास में मोबाइल है, अपन गणमा 10 बार मोबाइल पे बाता करा, बात करो, सारी बात कर लो, उन्हीं के बाद यह बात जरूर कहनी है कि अपने टिकट मिलो है, अपने पंजा पे वोट देना है, कहीं को भी हो, कसी भी हो, पर वोट अपने पंजा पे जाना चाहिए। महिला है पहली बार, अत्रो सम्मान मिलो है, अपन तो अपना सम्मान करा, मसा कोई नहीं फोन पे सभी की जो यहाँ बात आप
आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा है। भाई ऐसा क्या कर दिया कि आप अपना चेहरा सामने नहीं रख रहे? चेहरा आ रहा है मोदी जी का, जरा मोदी जी ने कहा अच्छा काम करया हो। मोदी जी का चेहरा आ रहा है, बोल रहे हैं प्रत्याशी को मत देखो, आप तो मोदी को वोट दो तो हमारे गांव को पांचवी फैल छोरो। उन्हें यूं लिखियो कि जब छोरी को मांडा करवा जावा नहीं जगह छोरो देखा, छोरा का दाज ये नहीं देखा, बिल्कुल नहीं था। हम आपस में मलवा जुलवा वाला राजा साहब आदरणीय प्रेमराज सिंह जी साहब सारा हम परिवार, हम आपस में एक दूसरे का सुख दुख में साथी रहवा, तो ये पीछे मोदी कहां से आगे कूद नहीं पड़ रहे? तो आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, आपकी बहू हूँ आप, मेरा विश्वास करें आपके मान सम्मान में कभी भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। मैं तो आपको विश्वास दिलाती हूँ आने वाली बार भोपाल से ज्यादा चिंता उनको राजगढ़ की है। हम उनका सानी है नहीं, दिन रात के वहाँ राजा साहब दरबार। तो एक बात ध्यान रखो, यह हमारे घर में जो बात आई है अभी घर संभाल लो पहले, अपना घर है वरना बहुत जरूरी है। अपना वोट तो अपना है, वो तो अपना मूल है, पर आस पास से प्याज कसा कवाड़ना है या तो देख लो अपना बूथ सबसे मजबूत, और जीतवा के बाद में सब अपना अपना सर्टिफिकेट ले जा दो अपने पोलिंग बूथ का, और राजा साहब को दरवाजे दिखा दो कि दरबार देखो राजा साहब देखो हमने हमारा पोलिंग बूथ अपना वोटर से जितायो। यही मैं निवेदन करना चाहूंगी, आप सबने मान सम्मान प्रेम दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जयराम जी की पंजाब में वोट देना है, कोई कहीं भी के मांग मत, सिर्फ पंजो पंजो। हमारी प्रत्याशी के उद्बोधन के पश्चात हमारे ऊर्जा से भरे ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रियव्रत सिंह जी का उद्बोधन। भारत माता की। साथियों, त्रिपलिया कुलमी का ये रामलीला मंच और आपकी हमारी कांग्रेस पार्टी की इस सभा में हम सबका मार्गदर्शन करने पधारे आदरणीय हम सबके नेता राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय जयवर्धन सिंह जी, जिला कांग्रेस के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारी प्रत्याशी और इस चुनाव में कर्मठता से मात्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाली हमारी भाभी आदरणीय मोना सुस्तानी जी, आदरणीय गुलाब सिंह जी सुस्तानी साहब, आदरणीय डॉक्टर गांधी जी, हमारे मार्गदर्शक भाई श्याम तेजरा जी, आदरणीय प्रकाश प्रोहित जी जनपद अध्यक्ष महोदय, आदरणीय यशवंत सिंह जी गुजर साहब ब्लॉक अध्यक्ष महोदय, हमारे मंडलम के जुझारू अध्यक्ष भाई रवि तेजरा जी, हमारे मंडलम के अध्यक्ष भाई घनश्याम गुजर जी, भाई महेंद्र सिंह जी यहाँ पर विराजमान आदरणीय महाराज जी, और मंच पे विराजमान कांग्रेस की पूरी ताकत, हमारे सारे पंचायती कार्यकर्ता बंधुओं और आप सब इस इनको ताकत देने वाले हमारे गांव गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीण भाई, समस्त माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों युवा साथियों पीपलिया कुलमी गांव कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1977 से लेकर आज तक यहाँ पर कभी कांग्रेस पार्टी को नीचा नहीं देखना पड़ा। कई लहरें आई, कई लहरें गई, पर कांग्रेस को हमेशा समर्थन पीपलिया कुलमी ने किया है। और आप लोगों के बीच में आज बड़ा हम लोग सब आए हैं लोकसभा का वोट मांगने के लिए। 4 महीने पहले आपने विधानसभा चुनाव में मतदान किया, 70 दिन प्रदेश में हमारी सरकार चली, और 70 दिन में जितनी योजनाएं हमने लागू करी इतनी आज से पहले किसी सरकार ने लागू नहीं करी। पर बड़ा आश्चर्य होता है, परसों मामा जी आए थे, प्रणाम करता हूं मामा जी को मैं, यहाँ पर कह के गए कि बिजली नहीं मिल रही। एक बात बताओ, क्या पीपलिया कुलमी में बिजली नहीं मिल रही? क्या पीपलिया कुलमी में ट्रांसफॉर्मर सारे नहीं बदला गए? 2015 में यहाँ पर यह स्थिति थी कि कोयलों बिछा बिछा के लाइट आती थी, तार बिछा बिछा के लोग माल के ट्रांसफॉर्मर से लाइट लेके आते थे। एक मंत्री जी हुआ करते थे हमारे प्रभारी, वो इस गांव में आए थे, इसी मंच पे खड़े हुए थे लक्ष्मीकांत जी, उन्होंने यहाँ से भाषण दिया था
कि कांग्रेस का विधायक जीतता है इसलिए यहाँ पे डीपी नहीं लगाएंगे मंदिर के यहाँ पर। कांग्रेस के विधायक के पास जाओ, तब भी हमने आपकी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। राय साहब मेरा निवेदन है कि 20,000 ट्रांसफॉर्मर हमने प्रदेश में बदले हैं, 20,000 ट्रांसफॉर्मर। अब मामा जी कहते हैं जब जब बिजली जाएगी मामा याद आएगा, मैं कहता हूँ मामा जी आपके राज में ट्रांसफॉर्मर ही नहीं थे तो बिजली कहाँ से आती थी। अब नारा लगेगा गांव में ट्रांसफॉर्मर आएगा, कांग्रेस याद आएगी, कांग्रेस का नारा लगेगा। साथियों आज हमारे यहाँ की स्थिति यह है पूरे इलाके की कि कर्ज माफी के नाम पे दमदारी इतने झूठ बोला जा रहा है। ये कह रहे हैं कि किसी के खाते में पैसा नहीं आया। हमने कर्ज माफी करी, कांग्रेस की सरकार ने कर्ज माफी करी, कर्ज माफी का वचन दिया। और अभी प्रभारी मंत्री जी ने बोला है, प्रभारी मंत्री जी ने तो आपको आश्वस्त किया ही है, पर मैं तो आपके गांव में खड़ा रहता हूं, मुझसे लड़ना अगर पर कर्ज माफी का पैसा आचार संहिता के बाद में लग जाए तो गारंटी लेने आया हूं यहां पर। और मैंने तो राय साहब गांव में भी ये कहा है कि अगर कर्ज माफी का पैसा खातों में नहीं डला तो वोट मांगने नहीं आऊंगा लोगों के बीच में। अब इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं ले सकता। साथियों 21 लाख किसानों के खातों में पैसा डल चुका है और सूची मामा जी के पास पहुंच चुकी है और 21 लाख और बचे हैं। कर्ज माफी होगी और जिन जिन ने फार्म भरा है, जिन जिन ने कर्ज माफी का फॉर्म भरा है, उन सब किसानों को 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। ये कांग्रेस का वचन। 15 सालों में 300 की पेंशन 1 रुपया भी नहीं बढ़ी, आज 300 की पेंशन 600 बढ़ी और आगे हम इसको 1,000 तक ले जाएंगे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि 51,000 रुपया हो गई है। साथियों बिजली का बिल हाफ हो गया है, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली हम दे रहे हैं कि गरीब किसानों को, गरीब उपभोक्ताओं को। पर प्रदेश में आश्वासन की राजनीति खत्म होकर काम की राजनीति शुरू हो गई। यहां पर पिछले 15 साल में 3 बिजली के ग्रिड बने, उनमें से एक में विधायक था शंकरपुरा में, मैंने बनवाया था। उसके अलावा 15 साल में 3 ग्रिड बने और 70 दिन में हमारे क्षेत्र में 4 ग्रिड मंजूर हुए हैं। 132 केवी का 24 करोड़ रुपए का माचलपुर में ग्रिड मंजूर हुआ है। 66 किलोमीटर की हमने खिलचीपुर से माचलपुर की सीआरएफ में सड़क मंजूर करवाई है जो 7.5 मीटर की बनेगी, जिसमें बाड़गांव माचलपुर का बाईपास बनेगा। और यही नहीं, आपके गांव की मांग थी और हमेशा जब मैं इस मंच पे आगे खड़ा होता था आप लोग एक ही बात कहते थे कि हमें यहाँ से खेड़ी गौतमपुरा तक का रोड चाहिए जनिया पे से, वो रोड भी हमने मंजूर करा दिया। और सिर्फ खेड़ी गौतमपुरा से पिपलिया कुर्मी नहीं, यहाँ पे पिपलिया कुर्मी में भी बाईपास बनाकर सुंदरपुरा होते हुए आगरा राजस्थान सीमा तक का रोड मंजूर करा दिया। हमारे आगरा के साथी यहाँ पे बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 5 साल पहले जो प्रपोजल जमा करके गया था, 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक उसमें कार्रवाई नहीं करी, जो हमने 70 दिन में चुनाव जीतने के बाद और विधानसभा मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद कर। काम करने की लड़क है। पर अब बड़ी आश्चर्य की बात है कि 3 घंटा को पर्चो हो गए, जो इम्तिहान लिखा तो 3 घंटा को 12वीं को और 10वीं को, पर मामा जी तो 1.5 घंटा में पकड़ के छुड़ा के बोल रहे हैं कहीं नंबर दूंगा, आगे का नंबर नहीं दूंगा। 5 साल तो हमारी सरकार देख लो भैया, मामा जी कहते हैं लंगड़ी सरकार है। मेरा निवेदन है मामा जी से कि मामा जी सरकार गिराने के चक्कर में कहीं आप लंगड़े मत हो जाना, ये तो मालूम पड़ो। वो बड़ा अच्छा बोलते हैं कि सोमवार को प्रधानमंत्री ये बनेगा, मंगलवार को प्रधानमंत्री ये बनेगा, बुधवार को प्रधानमंत्री ये बनेगा, ऐसा मध्य प्रदेश की भाजपा में भी चल रहा है। सोमवार को गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री बनता है, मंगलवार को नरोत्तम मिश्रा मुख्यमंत्री बनता है, बुधवार को और कोई मुख्यमंत्री बनता है और इतवार आते आते छुट्टी हो जाती है और मामा जी आपका तो नंबर ही नहीं लगता है कहीं भी लिस्ट में। इसलिए साथियों सरकार मजबूत है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहेगी और यहाँ पर आपके सेवा करने के लिए, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग विराजमान है। प्रभारी मंत्री जी यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर हूँ, हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और अब अगर आप सांसद चुन के भेजोगे तो दिल्ली तक आपकी हमारी पहुंच हो जाएगी।
और दिल्ली तक भी जब उन्नी की आवाज जाएगी, माचलपुर क्षेत्र की आवाज दिल्ली तक जाएगी और मोना भाभी हमारी आवाज दिल्ली में उठाएंगी, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो सैकड़ों विकास कार्य करवा के लाएंगी। यही मेरा आपसे निवेदन है साथियों, यही आपसे अनुरोध है कि 12 तारीख को उसी तरीके से जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में आपने पंजे का बटन दबाया, बिना किसी भ्रम के, बिना किसी अफवाह के, बिना किसी भेदभाव के, सब लोग मिलकर हाथ के पंजे का बटन दबाएं, मोना सुस्तानी जी को जिताएं, संसद में पहुंचाएं और अपने विकास के दरवाजे खोलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय पहले तो आपको उद्बोधन के बाद कांग्रेस पार्टी धन्यवाद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई नारायण सिंह जी, पूर्व सांसद आदरणीय मंत्री श्री प्रियव्रत जी, आदरणीय जयवर्धन जी, आदरणीय मोना सुस्तानी जी, हमारे पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रसाद गांधी जी, हमारे प्रिय मित्र भाई श्याम तेजरा जी, मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय पुरोहित जी, जनपद अध्यक्ष, उपस्थित आदरणीय भाइयों और बहनों, पीपला कुलमी हमारे राजगढ़ जिले का एक ऐसा जागरूक ग्राम है जहाँ किसान अच्छी खेती करते हैं, पढ़े लिखे हैं और आगे की सोच कर अपना जीवन बिताते हैं। मैं आज इस अवसर पर आपको धन्यवाद दूंगा जो आपने मेरा यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता था लेकिन मुझे कहा गया भोपाल से चुनाव लड़िए, तो मैंने कहा ठीक है भोपाल से चुनाव लड़ेंगे। और मैं आभारी हूं आपका, राजगढ़ जिले के कोने कोने से लोग बाग भोपाल पहुंच रहे हैं, अपने रिश्तेदारी देख रहे हैं, नातेदारी देख रहे हैं। अभी तेजरा जी ने बताया कि 300 वोट को मेरे पक्के करके आए हैं, तो ये पूरे जिले से हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। लेकिन अब 12 मई तक अपने को कहीं जाना नहीं है, यही रुककर आपको मोना सुस्तानी को चुनाव जिताना है, क्योंकि यहाँ मोना सुस्तानी चुनाव नहीं लड़ रही है, दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, प्रियव्रत चुनाव लड़ रहे हैं, जयवर्धन चुनाव लड़ रहे हैं, हम सब लड़ रहे हैं, श्याम तेजरा जी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। और इसलिए आपसे मैं अनुरोध करने आया हूं, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जो कहा है सो किया है। हम 10 साल तक मुख्यमंत्री मेरे कार्यकाल में गरीबों के घर में मुफ्त बिजली दी कि नहीं दी आपको? 5 हॉर्स पावर की मुफ्त बिजली मिली कि नहीं मिली? पंचायती राज आया और बेरोजगारों को भत्ता मिला, जो मैंने कहा सो हमने किया। और अब सरकार 15 साल बाद कांग्रेस की मध्य प्रदेश में आई है। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा, उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई, कईयों के माफ हो गए, बाकी के चुनाव के बाद हो जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों को गुमराह मत करो। अरे 15 साल में शिवराज सिंह मामा जी आपने 98 माफ करी हो तो बता दो, किसी का कर्जा कभी माफ किया है उन्होंने? एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया है, कोई बिजली का बिल उन्होंने माफ किया? किसी का नहीं किया। लोगों को जेल भेज दिया, बड़े बड़े बिल भेज दिए, ये लोग केवल झूठ बोलना जानते हैं। मोदी ने कहा था 25 लाख करोड़ का काला धन ले आऊंगा, कोई काला धन नहीं आया। कहा था 15 लाख रुपए खातों में जमा करा दूंगा, कोई जमा नहीं हुए। एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। नोटबंदी में गरीबों के परेशान कर लिया, 1,000 के नोट 800-700 रुपए में बिके के नहीं बिके बताओ, 500 रुपए का नोट 350-400 में बिका के नहीं बिका बताए। आखिर इसकी जरूरत क्या थी? क्या जरूरत थी कि नोटबंदी लाया जाए? ना इसमें आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार समाप्त हुआ, ना काला धन आया, केवल सरकार पर और बोझा बढ़ गया, नोटों का रंग बदल गया,
लेकिन कीमत वो की वही 500 का नोट पहले भी उतने में बिकता था, आज भी उतने 500 रुपए का है। 2000 का नया नोट आ गया, ये सारा का सारा ये है। और छपाई में लगभग 20,000 करोड़ छपाई में चले गए। ये पूरे तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया गया। और बड़े पैमाने पर अमित शाह जैसे भाजपा के नेताओं ने इसमें दलाली ली है, ये मेरा आरोप। मैं आपसे अनुरोध करने आया हूं, अब समय परिवर्तन का है, मोदी जी को हटाना है, हराना है, और सरकार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की बनाना है। और मैं दावे के साथ आज आपसे कह रहा हूं कि 23 मई को होने वाले नतीजे जब सामने आएंगे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बधाई, आपने प्रियव्रत जी को भारी बहुमत से जिताया, अब उतना ही बहुमत से आपसे प्रार्थना है मोना को भी जिताइए। आप सब लोग मिलकर काम करेंगे तो हम हमेशा से जिस तरह से सेवा करते आए आगे भी करेंगे, जितने काम अभी बचे होंगे ये सरकार में पूरे किए जाएंगे। आप सबसे यही प्रार्थना है, 12 मई को होने वाले चुनाव में हाथ के पंजे के निशान पर बटन दबाए। धन्यवाद। भारत माता की जय। नर्मदे नर्मदे। कांग्रेस।